सुलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तीनों में डिफरेंट क्या है और तीनों को कब और कहाँ कहाँ पे यूज़ में लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इस वीडियो को कम्प्लीट दिखेगा ताकि आपको भी समझ में आए कि एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है। चलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फॉर आइडिया चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एटीएम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एटीएम का फुल फॉर्म होता है एनी टाइम मनी। आपको इसी से पता चल गया, आप कहीं भी मनी को मतलब यूज़ कर सकते हो एटीएम कार्ड की मदद से। बट फ्रेंड्स, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। एटीएम कार्ड से क्या होगा कि आप मतलब आपके पास चाहे कोई से बैंक अकाउंट हो और आप किसी बैंक अकाउंट के पास आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप इंडिया के अंदर किसी भी एटीएम मशीन से उस एटीएम कार्ड से आप मनी को विड्रॉ कर सकते हो कहीं भी कभी भी। इसका कोई टर्म एंड कंडीशन कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बैंक है उसी बैंक एटीएम से आपको मतलब विड्रॉ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी बैंक से आप किसी भी एटीएम से आप मनी को विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बस उस बैंक के एटीएम कार्ड से आप मनी को विड्रॉ कर सकते हो। आप ऑनलाइन पर्पज़ के लिए उस एटीएम कार्ड को यूज़ में नहीं ले सकते। इसको बोलते हैं एटीएम कार्ड। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड क्या है। तो फ्रेंड्स, आप डेबिट कार्ड एक तरफ से बोल सकते हो कि एटीएम कार्ड से नेक्स्ट लेवल का है, जिसको हम लोग डेबिट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड से फीचर्स ये है फ्रेंड्स कि डेबिट कार्ड पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर्पज़ में यूज़ में ले सकते हो। आप विड्रॉ करने के लिए ऑनलाइन एटीएम ऑफलाइन एटीएम मशीन से कहीं भी किसी भी मशीन से विड्रॉ कर सकते हो, और आप ऑनलाइन भी किसी प्लेटफॉर्म पर अगर आप बिल पेमेंट करना चाहते हो तो आप उस कार्ड नंबर सीवी नंबर के एक्सपायरी डेट को एंटर करके इजीली पेमेंट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। और बेसिकली अब जितने भी बैंक है इंडिया के अंदर, वो सभी एटीएम कार्ड ना देकर अपने यूजर्स को डेबिट कार्ड ही प्रोवाइड कर रही है। एटीएम कार्ड ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि बंद ही हो चुका है पूरे तरीके से। अब सभी बैंक डेबिट कार्ड ही अपने यूजर्स को दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेकिन अब बात करेंगे क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है और क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आगे आपके पास SBI का बैंक अकाउंट हो या ICICI का हो या HDFC कोई से बैंक अकाउंट हो, ये जरूरी नहीं है कि जो बैंक अकाउंट आपके पास है ऑलरेडी उसी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूजली अप्लाई करके ले सकते हो, मिल जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है कि उसमें आपको कुछ लिमिट बैलेंस मिलता है, जिसको हम लोग क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड की मदद से जो लिमिट आपको मिला है उसी लिमिट को आप स्पेंड कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो एटीएम मशीन से, एंड आप ऑनलाइन किसी भी ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, बिल पेमेंट, शॉपिंग, मतलब कहीं भी, या POS मशीन में स्वाइप अप करके भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज में ले सकते हो। बिल्कुल देखने में डेबिट कार्ड के जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसका मतलब जो टर्म एंड कंडीशन है कुछ अलग है। डेबिट कार्ड में क्या है कि आपके जो बैलेंस अकाउंट में जितने रहेंगे सिर्फ आप उतना ही बैलेंस को आप डेबिट कार्ड से यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उससे कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट कार्ड जितने लिमिट आपको मिला है 1,50,000, 60,000 जो भी लिमिट मिला है आप उस लिमिट को स्पेंड कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो एटीएम मशीन से, या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, या कोई बिल पेमेंट करना चाहे तो आप उस क्रेडिट कार्ड के नंबर से बिल पेमेंट भी कर सकते हो। मतलब क्रेडिट कार्ड दोनों से नेक्स्ट लेवल का है, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड से। ठीक है, तो आई होप कि आपको तीनों कार्डों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, एटीएम कार्ड क्या है और डेबिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है। फिर भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।